तो फ्रेंड जय हिंद। तो आज का वीडियो इतनी दर्द भरी कहानी है, इतनी दुख भरी बातें हैं इस वीडियो पे आज बताने जा रहे। एक सहोदर भाई जो कि एक कोख से पैदा हुआ भाई बहन ने, इस भाई ने अपनी बहन पे इतना बेरहमी से पेश आया, इतना बेरहमी के साथ उसके साथ ने पेश आया है और इतने घटिया काम किया उसके साथ कि बोलने उसके बारे में बताने में भी घिनौना लगता है। इस तरह की घटिया काम एक सहोदर भाई ने किया है, जो कि आप इस वीडियो पे अगर पूरे अंत तक बने रहे और देखते रहे कि एक भाई ने, अपना सहोदर भाई ने अपनी बहन के साथ कितना घिनौने काम किया है, जो कि भाई बहन का रिलेशन का बदनाम कर रखा है। दोस्तों ये और कोई और नहीं दोस्तों, ये राजा ब्लॉग और सुहानी ब्लॉग की बात कर रहे हैं। राजा ब्लॉग ने सुहानी अपनी बहन के साथ किस तरह से पेश किया है और किस तरह से आज सारे उसके साथ बिहेव हुआ है, ये सारे बातें आज कैच किए हैं और सारे बातें इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो आप वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए और देखते ही रहे। राजा का बिल्कुल काला चिथा सामने ला रहे हैं, साफ कर दे रहे हैं। आप लोग जितना प्यार आप लोगों ने सभी लोगों को दिए उतना ही प्यार हमें दीजिए। आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि हमारे चैनल पे जो भी नए हैं मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए ताकि आपका ये छोटा भाई आगे की ओर बढ़ सके। तो अब बात करते हैं, को पता चल जाएगा कि राजा है क्या, अपनी बहन के प्रति इतना घटिया सोच। आप लोग तो देखे ही, जो माँ कोख से पैदा किया उसका नहीं हुआ, जिस पिता ने उंगली पकड़कर चलाया और बच्चे से पाल पोस कर इतना बड़ा किया उसका नहीं हुआ, तो ये बहन का हो सकता है? नहीं हो सकता दोस्तों। और आप लोग तो उम्मीद बनाकर बैठे होंगे कि राजा भैया बोलते हैं, तो ये उम्मीद बिल्कुल छोड़ दीजिए कि हाँ आपका होगा। जब अपने माता पिता और बहन का नहीं हुआ तो आपका कभी नहीं होगा। और बता देते हैं आपको राजा ने कितने घिनौना काम किया है। सुहानी बानी गौरव सुहानी ब्लॉग जो है वो सुहानी इसका बहन की अपनी बहन की नाम है और गौरव जो है इसका बहनोई है, यानी सुहानी का हस्बैंड है। इनके चैनल पे ये राजा ने इससे पहले भी ये धमकी बहुत बार दे चुका था अपने ऑन कैमरा अपने ऑन वीडियो में कि तुम दिल्ली में जहां भी रहते हो वहां से हम उठा लेंगे, तुमको ये कर देंगे वो कर देंगे, तुम मेरे पास आ जाओ माफी मांगने के लिए, मेरे पैर पे आकर गिरो, मेरे पैर पे घिघियाओ, माफी मांगो, तुम अपना वीडियो डिलीट करो, चैनल डिलीट करो, ये सब सारे बातें धमकियां देता था पहले। लेकिन अब क्या किया, जब ये सब सारे बातों पे उसकी बहन सारे बात को इग्नोर करते हुए अपना काम करना शुरू कर दिया अपना, किसी तरह से जब शादी हो गया तो दोनों मिलकर के दिल्ली में रह करके वीडियो बना रहा है। आप लोग देखे भी हैं उसका इंस्टा और यूट्यूब पे सभी जगह पे देख रहे हैं कि अच्छा खासा वीडियो अपना बना करके अपने लाइफ को चला रहा था। लेकिन ये जो है रात में, कल रात में किया है स्ट्राइक दिया उसके चैनल पे, और स्ट्राइक ये बहुत चलाक बंदा, ये अपने से स्ट्राइक नहीं दिया, दूसरे से स्ट्राइक दिलवाया है और एक नहीं दो नहीं तीन तीन स्ट्राइक डाल चुका है सुहानी के ऊपर, यानी गौरव सुहानी ब्लॉग को तीन तीन स्ट्राइक आ चुका है। और रात से सुहानी और गौरव रो रो कर बुला हाल है, हमसे बात हुई रात में एक बजे तक बात होता रहा, उसका सोल्यूशन निकालते रहे। उसके बाद बोले कि चलो थर्ड पार्टी जो आपको स्ट्राइक दिया उससे बात कीजिए, उससे उसके ईमेल पे मेल किया गया, उससे बाद बात हुआ, वो साफ एक लाइन में बोला कि आपने, आपको बहुत बार हिदायत दिया कि आपने इस बात को नहीं किए एक्सेप्ट लिए तो आपके साथ स्ट्राइक किए हैं, उसके एवज में सौदा भी किया गया, इसके भाई बहन इसके अपनी बहन के साथ में सौदा भी किया, जो कि बहुत घिनौने तरह की बातें है इस तरह की अपनी बहन के साथ सौदा करना, सौदा भी किया। और उसके बाद में इस पे जब एक्सेप्ट नहीं हुआ गौरव या सुहानी तो जाके कहा कि तुम एक हफ्ते के बाद तुम्हारा चैनल डिलीट हुआ। हकीकत में ईमेल यूट्यूब से भी मेल आ चुका है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखा देते हैं, यूट्यूब भी मेल कर चुका है, दे चुका है इसको कि आपकी चैनल 7 दिनों में डिलीट हो जाएगा। तो ऐसे परिस्थिति में दोनों ने रो रो कर बुला हार, दोनों की परिस्थिति बिल्कुल खराब हो चुका है, क्योंकि किसी भी कोई भी हो यार, किसी के साथ भी इतना मेहनत करके चैनल को खड़ा करता है, ग्रो करता है और उसके बाद उस चैनल पे स्ट्राइक देता है, तो कितना उसका उसके साथ क्या बीत रहा होगा वो तो वो खुद समझ रही होगी कि क्या उसके साथ हो रहा है। कल से खाना अभी तक नहीं खाया है दोनों, और उसके बाद उसके चैनल से वीडियो भी नहीं आ रहा है कि वीडियो डाल दे, वो हमसे बात हुआ तो बोला कि वहाँ पे वीडियो डालने का ऑप्शन दे ही नहीं रहा है, आप अपने चैनल पे डाल दीजिए वीडियो, हमारे चैनल से स्ट्राइक आ चुका है, हमारा चैनल डिलीट हो जाएगा। हालांकि फिलहाल अभी उन चैनल के काम चल रहा है, प्रोसेस में हम लोग कर रहे हैं कि इसी तरह से चैनल उनका बच जाए,
रुक जाए ताकि दोनों अपना जिस तरह से खा कमा रहा था उस तरह से करे। लेकिन राजा तुम इतना घिनौना काम किया ये सोच भी नहीं सकते थे, हम जानते थे तुम तो घिनौने हो, ये तो 100% सभी ऑडियंस जानता है कि तुम गंदे हो, लेकिन इतना गंदा तुम होगा ये कोई नहीं सोचता होगा यार। अब हमें इस चीज से ज्यादा डर लग रहा है अब इसकी माँ बाप के ऊपर कि अब देखो ये अपने माँ बाप को स्ट्राइक मारेगा। हमको यकीन है कि अब ये बहुत जल्द अपने माँ बाप का चैनल पे भी स्ट्राइक मारेगा, क्योंकि इतना घटिया काम जब अपनी बहन के साथ कर सकता है ये, तो माँ बाप के साथ क्यों नहीं एकदम बिल्कुल। जब से चैनल खुला है, जब से चुप्पी साध रखा था, हमको इसी से उम्मीद लग रहा था कुछ न कुछ ये करेगा तो बहुत बड़ा काम करेगा। और उनके माता पिता का हम फोन पे बात भी करते थे कि आपका चैनल खुलने के बाद आपका बेटा जो है इतना चुप्पी साध दिया है, इसका कुछ न कुछ राज है और वो कुछ न कुछ करेगा, तो ये करना क्या था। देखो यहाँ पे सुहानी के साथ घटना कर दिया, इतनी बड़ी घटना किया तो उनकी चैनल डिलीट होने की कगार पे। लेकिन राजा तुमको हम बता दे, इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं, और अगर वीडियो मेरा देख रहा है तो तुम अच्छे से समझ लो कि तुम चैनल पे स्ट्राइक मारकर बहुत बड़ी तुम भूल किया है, इसी को जान लो। उसकी चैनल अगर कुछ हो गया ना तो तुम्हारा चैनल का खैर नहीं है, इस चीज को जान लेना। अब तुम्हें लग रहा होगा कि हम इतनी बड़ी खुली चैलेंज दे रहे हैं तो हमारा चैनल है, मेरा चैनल का कोई अथी नहीं है, ठीक ना। लेकिन जिस दिन तुम अपने माँ बाप के चैनल पे स्ट्राइक कर दोगे ना, या सुहानी के चैनल अगर डिलीट हो जाएगा ना, तो तुम्हारा चैनल भी सुरक्षित नहीं रहेगा। और ये तुम जानता है कि मेरा ताकत इस चीज को जानता है तुम कि सोशल मीडिया से हम क्या कर सकते हैं, ठीक ना। तुम्हारे पास ऑडियंस है, हम मानते हैं तुम्हारे पास करोड़ों ऑडियंस है, और मेरे पास ऑडियंस नहीं है, तो मेरे बातों जो है पूरे ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन तुम कुछ भी बोलेगा तो सारे ऑडियंस के पास पहुंचता है, लेकिन उसमें से भी जाकर देख लो तुम अपने कमेंट में कितना ऑडियंस, सारे ऑडियंस तुम्हारे गाली पढ़ने के लिए आपके कमेंट पे आता है, आपके वीडियो पे सिर्फ गाली पढ़ने के लिए आता है। तो राजा बस हम तो यही कहेंगे, इतना घिनौना काम मत करो यार, तुम्हारा वो अपनी बहन है, अपनी सगे बहन है, उसके साथ तुम किया इस तरह बड़ा खिलवाड़, ये अच्छी बात नहीं है। अभी से भी हम बोलते हैं जो भी हो जैसे भी हो, अगर इस चीज को आप एक्सेप्ट कर लो और जल्दी से आप उसके चैनल से स्ट्राइक हटा दो, ताकि वो जिस तरह से तुम खा रहे हो, कमा रहे हो, रह रहे हो, आपके ऊपर कोई उंगली नहीं कर रहा है, तुम घर ले रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी बहन, तुम्हारी माता पिता कोई उंगली करने नहीं जा रहा। तुम जिस तरह से अपना यूट्यूब से पैसे अर्निंग करके कमा रहे हो, खा रहे हो, तुम्हारे ऊपर जब ये नहीं तुम लोग को पीछा कर रहा है तो तुम इसके पीछे क्यों पड़ गया, क्यों इसका चैनल डिलीट करवा रहा, क्या मिलेगा तुम्हें, क्या तुम्हारी बहन रोड पे आ जाएगा, तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम अपने माँ बाप को तो रोड पर लाकर गया, और उसके बाद अब तुम देख रहा है कि अपनी बहन को, जान लो राजा मरता क्या नहीं करता यार, जिसके लिए जब तुम इतना कुछ कर दिया तो वो क्या नहीं कर सकता, वो भी बहुत कुछ कर सकता है, बस अभी चुप्पी साध रखा है। जिस तरह से तुम चुप्पी साधा और इतने बड़े काम कर गया ना, इस तरह से वो भी अभी चुप्पी साधा हुआ है, उसके किसी तरह से चैनल वापस आने का इंतजार कर रहा है। बस हम यही वीडियो, इस वीडियो में राजा को तुमको ये संदेश दे रहे हैं सिर्फ कि अभी से भी मौका है, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे पास 2 दिन का मौका है, 2 दिन में तुम स्ट्राइक हटा लो, और नहीं तो 3रा दिन के बाद हम लोग खुद करेंगे कार्रवाई तुम्हारे ऊपर, लीगल केस करेंगे। और उसके बाद केस करने के बाद ये जान लीजिए इनका चैनल भी डिलीट नहीं होगा और तुम्हें जेल जाना होगा। तुम जिससे स्ट्राइक मरवाए हो ना, उसे जेल जाना होगा, और वो हकीकत कबूलेगा तब तुम भी आएगा सामने फ्रंट पे। इसलिए अभी भी मौका है, और जल्दी सामने तुम इस स्ट्राइक को हटवा लो, अपनी बहन को सुरक्षित रखो। जिस तरह से, अरे यार अपनी बहन के ऊपर कोई उंगली उठाता है ना, कोई आंख देखता है ना, तो भाई के दिलों में, भाई की रगों में इतनी खून तेजी से दौड़ता है ना कि उसे क्या कर दे, क्योंकि हमारी बहन को नजर उठाकर देख रहा। तुम अपनी बहन के प्रति इतना घटिया सोच रख रहा, इतना घटिया विचार रख रहा, अच्छी करो यार, तुम्हारे ऊपर तो थू करने का मौका लगता है। इतना गंदा इंसान कभी नहीं सोचे थे यार तुम इतना गंदा होगा। चलो कोई बात नहीं, अभी से भी मौका है, और जल्दी से हमें तुम इस चैनल पे स्ट्राइक जो मारे हो गौरव सुहानी ब्लॉग को, वहां से स्ट्राइक हटा लो। उसके बाद कुछ भी नहीं किया जाएगा, तुम स्ट्राइक हटाएगा, ये भी अपना जिस तरह से रह रहे थे उस तरह से रहेंगे, तुम भी अपना जिस तरह से रह रहे हो रहो, कोई मतलब नहीं, आपस में दोनों बात नहीं होती, नहीं करो, लेकिन स्ट्राइक मारकर इस तरह से गंदे काम मत किया करो।
बस इस वीडियो में आज सिर्फ यही संदेश देना चाहते हैं, और जितने ऑडियंस इस वीडियो को देख रहे हैं सारे ऑडियंस से कहेंगे कि आप लोग को राजा के प्रति क्या विचार है, जो ये राजा किया है इतने घिनौना घटिया काम, तो इस पे आप लोग क्या आप राय दे सकते हैं, एक बार जरूर कमेंट्स बॉक्स में आकर राय दीजिए राजा के प्रति आप लोग को क्या सोच है, और सुहानी और गौरव के प्रति क्या सोच है, ताकि इस वीडियो से हमें पता चले कि आप लोग ने किस तरह से राजा और सुहानी के प्रति सोच है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो बहुत जल्द, अगर इनके चैनल डिलीट हो जाएगा तो फिर अपडेट आपको हम देंगे, आप मेरे चैनल पे बने रहिए अपडेट लेने के लिए। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं अगले ब्लॉग अगले वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।